स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत जड़ और बुद्धिहीन था, ना तो कुछ जानता था और उसे ना कुछ जानने की इच्छा थी। उसने पूछा कि मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? बोला, नहीं। तो स्वामी विवेकानंद बोले, पहले तुम झूठ बोलना सीखो। ये बिल्कुल जड़ जीवन, ये फर्नीचर जैसे जीवन जीने से बढ़िया है झूठ बोलना है। तुम बिल्कुल अक्रमण्य हो और निश्चित तौर पर तुम उस अवस्था पर नहीं हो जो सब कर्मों से परे है, जहां केवल शांति ही शांति है। स्वामी विवेकानंद तो उससे मजाक कर रहे थे, इतना भयंकर तामसिक प्रवृत्ति का इंसान तो नहीं होता। अभी ये लॉकडाउन में कई कह रहे हैं कि लॉकडाउन ने जीवन जीने का तरीका बता दिया है, जिंदगी में एकदम संतुष्टि आ गई है, इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और मुक्ति हो गई है लॉकडाउन में। क्या असल में यह संतुष्टि है या वो एनर्जी, वो जोश गायब हो गया है? ये संतुष्टि है या आलस्य? वो तामसिक प्रवृत्ति, तमस, इससे बढ़िया तो इच्छाएं हैं। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि मैं आलसी हूं, आलस्य है, लेजीनेस है, तो मुझे बदलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा खुद पर। इसलिए बहुत आसान है कि मैं कह दूं मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं। असली संतुष्टि कुछ और है। अगर असली में हमें संतोष, वो शांति को पाना है, तो उन्नति की इच्छा के साथ, अंदर बदलाव की हिम्मत के साथ कर्म करना ही पड़ेगा। इस पर हम मनन करें। शुक्रिया।